एक ही ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ मोटो G32 और दूसरी तरफ लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन मोटो G24 पावर। इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर 10,000 रुपए से कम के प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन का 8 GB रैम वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G24 पावर MediaTek का हीलो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G32 में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन में 4G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतोतो स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G24 पावर का जो अंतोतो स्कोर निकल के आता है वो 2,66,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G32 का जो अंतोतो स्कोर निकल के आता है 2,45,000 के आसपास का निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंतोतो स्कोर में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G32 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 1300 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G24 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 1700 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है मोटो का G24 पावर। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें जरूर डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को मोटो G32 में बेटर देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक तरफ मोटो G24 पावर में 6.56 इंच की HD+ पांच होल वाली आईपैड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G32 में 6.5 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करें जाए तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेमी अपर्चर का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है थोड़ा सा मोटो G32। पिक्चर क्वालिटी भी आप लोगों को मोटो G32 की बेटर देखने को मिल जाती है। एक तरफ मोटो G24 पावर में बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ मोटो G32 के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी सेल्फी के मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है मोटो का G32, क्योंकि मोटो G32 में थोड़ा कम अपर्चर वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एक तरफ मोटो G24 पावर में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G32 में भी 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G24 पावर, 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 30W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G32 में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 30W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ बिग बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो G24 पावर की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लोग एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ तो आप लोगों को मोटो G32 की तरफ जाना चाहिए।